गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इसी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा क्लास चल रहा था, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल। हमने प्रीवियस क्लास में भी प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल ही देखी थी जिसमें दो देखा था। आज जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉम स्वीट वाटर। मतलब स्वीट वाटर कहाँ होता है, जब हम कैंडल मैन्युफैक्चर करते हैं, जब कैंडल बनता है, ठीक है ना, तो उसमें जो फिल्ट्रेट रहता है, जो नीचे पानी जो बचा रहता है छानने के बाद, ऊपर फैटी एसिड रिमूव करने के बाद जो नीचे फिल्ट्रेट प्रेजेंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वीट वाटर बोलते हैं। और उसी स्वीट वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है। तो देखिए, फ्रॉम स्वीट वाटर, स्वीट वाटर से हम क्या बना रहे हैं, ग्लिसरॉल बना रहे हैं। ओके, तो स्वीट वाटर कैसे बना, कहाँ मिला, आइए देखते हैं। इसमें सेम वही चीज़ है, इसमें हम ऑयल और फैट लेंगे, ठीक है। जब ऑयल या फैट लिया हमने, उसको क्या कराया, हमने हाइड्रोलाइज करवाया। हाइड्रोलाइज जब करवाया किसके प्रेजेंस में, देखिए H2SO4 एक जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, इसके प्रेजेंस में जब हम इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे, देन इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमारा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फिल्ट्रेट में। जो हम पानी छान देंगे, छानने के में ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा कैंडल रहेगा, वो निकल जाएगा। नीचे जो प्रेजेंट रहेगा, वो जो पानी प्रेजेंट रहेगा जिसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसमें ग्लिसरॉल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। फिर फर्दर डिस्टिलेशन देन उसका प्योरिफिकेशन करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है। ग्लिसरॉल के साथ और क्या रिमूव हो जाता है, हायर फैटी एसिड। दो चीज़ें मिल रही है, ग्लिसरॉल के साथ और क्या मिल रही है, हायर फैटी एसिड, जिसका फॉर्मूला है RCOOH। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रॉम स्वीट वाटर। फिर है आपका बाय फर्मेंटेशन ऑफ ए सुगर सॉल्यूशन। जब सुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन करवाते हो आप लोग, उस कंडीशन में भी हमें क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा। तो कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सुगर ले लिया, पता है हमें C6H12O6 ग्लूकोज होता है, जो कि सुगर ही है। हमने इसे क्या किया, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में करवाया, सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में, और क्या लिया है, ईस्ट। ओके, ईस्ट हमें पता है, जब कभी भी हम फर्मेंटेशन करवाते हैं उसमें हमें क्या जरूरत पड़ता है, ईस्ट की जरूरत पड़ती है। ईस्ट इसके प्रेजेंस में, सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, इन दैट कंडीशन हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा, और क्या रिमूव हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। ओके, ये तो हो गया आपके दो मेथड जिससे कि आपने ग्लिसरॉल बनाया। दो मेथड हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था, और आज हम दो और देखेंगे, फ्रॉम स्वीट वाटर एंड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ए सुगर सॉल्यूशन। ओके, फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो इस हमें पता है ग्लिसरॉल जो होता है वो कौन सा ग्रुप है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। हम लोग जिसमें बोल सकते हैं कि तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए 3OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है हमारा ग्लिसरॉल में, जिसे हम ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, या 1-2-3 ट्रायोल भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा है ये विस्कस इन नेचर। जो हमारा ग्लिसरॉल होता है वो विस्कस इन नेचर क्यों होता है, विस्कस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। और वो OH ग्रुप कितने हैं, तीन हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए हमारा जो ग्लिसरॉल है वो कैसा रहेगा, विस्कस प्रॉपर्टी शो करेगा। देन उसके बाद जो हमारा ग्लिसरॉल होता है, इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, दैट मीन्स इट इज ए कलरलेस। ये कैसा है, कलरलेस है। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका 290 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कितनी है, 290 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी बुक में और है, आप देख लीजिएगा। देन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी केमिकल रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं, जिसमें अगर हम ग्लिसरॉल देखें, ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH2OH5CHOH। ओके, CH2OH ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल का, या ग्लिसराइड्स बोलिए। ओके, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बन बॉन्ड है जो कि अल्फा पोजीशन बोल सकते हैं, दूसरा कार्बन को हम बीटा पोजीशन बोल सकते हैं, और इसके लिए ये भी हमारा क्या है, अल्फा पोजीशन ही है। ओके, तो हम इसे प्राइमरी 1 डिग्री क्या है, प्राइमरी 2 डिग्री क्या बताता है, सेकेंडरी 3 डिग्री क्या बताता है, टर्शियरी। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल केमिकल फॉर्मूला किसका, हमारा ग्लिसरॉल का।
उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि केमिकल रिएक्शन है, तीन चार केमिकल रिएक्शन है आपके बुक में दिया है, वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम देखेंगे यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है। हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है ये मेडिसिन बनाने के में हेल्प होता है करता है। ओके, मेडिसिन बनाने के लिए भी हेल्प करता है कौन, थ्रेशोल्ड। साथ में ये फूड प्रिजर्वेटिव है, कुछ भी हम खाना जो जो आर्टिफिशियल खाने होते हैं उसे जो प्रिजर्व करना रहता है तो कौन हेल्प करता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का यूज क्या कर रहा है, फूड प्रिजर्वेटिव का भी हेल्प कर रहा है। साथ में जब कभी भी वॉचेस बनती, घड़ी बनती है, वॉचेस बनती है, उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, ग्रीस का काम करता है कौन, ग्लिसरॉल। ओके, देन उसके बाद ये हमारा और कहाँ यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गए यूजेस, और भी यूजेस है बुक में, तो तीन चार यूजेस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। देन उसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, आगे आप इसके बाद क्या देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन देखोगे किसका, ग्लिसरॉल का। देन इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिनोल। फिनोल क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये सब आप नोट कर लीजिए।